में बताएं अनुदेशात्मक सिद्धांता क्या है, क्योंकि ये शब्द आया है हमको जानना चाहिए कोई, या फिर दूसरे हम क्या बताएंगे। अनुदेशात्मक कार्य मैडम बताए ना, रहने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं, बता कर सुनने की जरूरत मेरी आप नहीं, अपने स्वतः विवेक से बता सके ठीक है। अच्छा इनके जस्ट बगल लेफ्ट साइड में, हाँ लेफ्ट साइड में बताए ये जुवारा में क्या जुवारा पोस्ट है, आप बताएं अनुदेशात्मक से क्या तात्पर्य है, बहुत जल्द बताएं कि इस पर बहुत समय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए हमने चार लोगों से इसका फीडबैक लिया, जब भी आप विगत तीन स्कूल शिक्षण हुए इसमें कई बार आया, लेकिन चार लोगों को फीडबैक किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, वास्तव में इसका जो पर्याय है इसकी जो मीनिंग है वो इसका आंसर निकल के नहीं आ रहा, इससे कुछ हट के आ रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है, आप तो प्रशिक्षण ले रहे हैं लेकिन प्रशिक्षण के जो इसमें बिंदु है आप वो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं ले रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है लेकिन आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। एक बार हम और रिवीजन करते हैं, आप इसको आज अपने मन में कायदे से बैठा लीजिए। अनुदेशात्मक का मतलब होता है शासन प्रदत्त वह कार्य, शासन के द्वारा दिया गया वो कार्य जिसमें हम कोई संबोधन नहीं कर सकते। अगर शिक्षण योजना कलांश एक में है तो शिक्षण योजना हमको कलांश एक में चलानी है, पढ़ानी है, वो शासन प्रदत्त है उसमें कोई संबोधन नहीं, उसे अनुदेशात्मक कहा गया। वो चार दिवस के लिए है, चार दिवस के लिए है अनुदेशात्मक कार्य, इसमें आपके द्वारा कोई संशोधन या विद्यालय के हेड के द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। कलांश एक में शिक्षण योजना है तो रहेगी, सीधी से इसकी मतलब है इसका पर्याय शासन प्रदत्त वह का जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी का जो है निर्वाह करेंगे। चार दिवस में है, अब इसमें है क्या, आप देखेंगे इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें हैं, तीन शिक्षण योजनाएं हैं, तीन कार्य पत्रक है और तीन जो है अभ्यास गतिविधियां है। एक पूरे सप्ताह का है, माने एक सप्ताह में तीन शिक्षण योजना चलती है, तीन कार्य पत्रक का कार्य तीन अभ्यास गतिविधियों का। बैग हटाइए, बैग हटवा लीजिए, मतलब पंखे की वजह से सब लोग जो है उठा के बीच में बैठ जाते हैं। हो गया आप जो है, क्योंकि गणित भाषा में आपने देखा है कि भाषा में भी तीन शिक्षण योजना है और गणित में भी पूरे सप्ताह छह शिक्षण योजना का कार्य करना है, तीन गणित का तीन भाषा का। उसके बाद एक दो तीन चार तीन दिन आपका अनुदेशात्मक, चौथे दिन क्या रहता है रिक्त रहता है, रिक्त कालांश आपने देखा, पहले कालांश खाली रहेगा, दूसरा तीसरा क्यों खाली रहता है बताए, पहले कालांश में कार्य पत्र दूसरे में तीसरे का प्यार करती। उसके बाद अगला दिन है पांचवा दिन, समेकन और आकलन, समेकन और आकलन। समेकन का मतलब क्या होता है, सारांश, सारांश से आज क्या आसन मिलता है, यहाँ जान रहे अच्छी तरह जो हमने अब तक ऊपर इसके पढ़ाया है उसको हम समराइज करेंगे, एक साथ जोड़ करके वो हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो समेकन होता है। इसमें एक गतिविधि भी है, समेकन गतिविधि नाम दिया गया, एक समेकन गतिविधि, एक